हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की मसाला पूरी। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है। आसान होने के साथ साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है और इसको आलू की सब्जी, रायता या दही के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको नाश्ता, लंच या डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन मसाला पूरी बनाने के लिए ये हमने 1 कप बेसन लिया है। इसे हम छानेंगे पहले। इसमें हम 1/2 कप गेहूँ का आटा मिक्स कर देंगे। अब इसको छान लेते हैं। ये हमने छान लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच अजवाइन, जिसको हम हाथों से रब करके डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है हमने, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को हम दूध से गूंथेंगे। ये हमने 1/2 ग्लास दूध लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हम गूंथेंगे। इस तरीके से अगर हम आटा गूंथेंगे तो ये पूरियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। ये आटे को हमने गूंथ लिया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको अच्छे से डो को मैश कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा। आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1/2 घंटे बाद हम चेक करते हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको मसल लेंगे। अब पूरियां बनाने के लिए हम इसकी लोई तोड़ेंगे। ये सभी लोइयां हमने तोड़ ली हैं, अब इन्हें बेलेंगे। अब हम जहां पूरियां बेलेंगे उस सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और बेलन पर भी लगा देंगे ताकि हमारी पूरियां चिपके ना ही। अब हम लोई को बना लेते हैं। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। इस लोई को एक हम बड़ी पूरी बेलेंगे पहले, फिर इसको कट करके बनाएंगे। देखिए, बड़ी पूरी हमने बना ली है। अब हम ग्लास की सहायता से छोटी छोटी पूरियां बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ग्लास से निकाली है ये। आप चाहें तो कुकी कटर से या किसी छोटी कटोरी से भी इस तरीके से पूरियां निकाल सकते हैं। हम एक और बेल कर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिना कटर के पूरियां बना सकते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से एक प्रॉपर शेप आ जाती है, इसलिए हम बना रहे हैं।
इसी तरीके से सभी बना लेंगे हम। ये हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स, इसे हमें मीडियम हीट पर ही बनाना है। तेल हमारा गरम हो गया है, ये देखिए हमने सभी पूरियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हम एक एक करके इनको सेक लेंगे। पहले हम एक बनाकर देखते हैं, ये पूरी ऊपर आ गई है। हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये आराम से फूल जाएगी, इस तरीके से हल्के हाथों से। ये देखिए ये फूल गई और ये कितनी अच्छी पूरी बनी है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की पूरियों को भी तल लेंगे। ये पूरी भी हमारी बनके तैयार हो गई। ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बनी है। इसी तरीके से सभी पूरियों को तल लेंगे हम। पूरियां हमारी बनके तैयार हो गई हैं, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। इनको हम आलू की सब्जी के साथ, रायते के साथ या खीर के साथ परोस सकते हैं। ये देखिए इनको हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं और अचार के साथ भी। ये देखिए कितनी बढ़िया मसाला पूरी बनके तैयार हो गई हमारी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बेसन मसाला पूरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।